सो हेलो दोस्तों, तो यार स्वागत है आप लोग का हमारे इस अमेजिंग से वीडियो में। तो गाइस यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है इवोल्यूशन गन को अपग्रेड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आई मीन गाइस यार जो आपका एक्चुअल प्राइस लगता है अपग्रेड करने के लिए एंड उससे कैसे कम पैसों में अपग्रेड कर पाओगे। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ स्टेप एंड गाइस यार, तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। सो गाइस, तो यार आप लोग को भी पता होगा कि हमारे गिफ्ट स्टोर में ओनली एंड ओनली ड्रैगन एके का टोकन है। एंड गाइस यार आप में से काफ़ी सारे लोग ड्रैगन एके को हो सकता है मैक्स कर लिए होंगे एंड जो लोग गाइस ऐसा नहीं किए हो एंड जो लोग लेवल पास करके आप लोग दूसरे के बंदे से गिफ्ट करते हो ना, तो गाइस यार उसमें आप लोग का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो उसमें गाइस देखो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यार आप इसी के अलावा मैंने इसका एक और वीडियो बना रखा है, पहले बनाया था, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि कैसे आप लोग ड्रैगन एके को ओनली 1000 रुपीज़ में मैक्स कर सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है, ऊपर आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है फिलहाल कैसे आप लोग ड्रैगन एके के अलावा जो बाकी सारे इवो गन स्किन है उसको कैसे मैक्स कर सकते हो कम पैसों में। वाह मोदी जी वाह। सो गाइस, तो यार सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यार आप लोग जो गलती करते हो एट ए टाइम ऑफ परचेज, जैसे कि गाइस आप लोग जब अपग्रेड करने के लिए टोकन परचेज करते हो, जो भी गाइस आप लोग का इवो गन स्किन है ठीक है, तो गाइस आप लोग एक गलती करते हो जिसके कारण क्या होता है गाइस कि आप लोग उतने ही डायमंड से टोकन खरीदते हो लेकिन गाइस आप लोग का कम टोकन परचेज होता है। एंड वहीं गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग उतने ही डायमंड में आप लोग ज़्यादा टोकन परचेज कर सकते हो। तो चलिए गाइस आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो। आप लोग को यार टोकन परचेस करने से पहले एक चीज़ परचेस करना पड़ेगा, वो क्या है गाइस, आप लोग को सिंपली स्टोर पे जाना है वहाँ, यहाँ पे रिडीम वाले सेक्शन पे आने के बाद आप लोग को गाइस सिंपली एफएफ टोकन पे आ जाना होगा। एंड एफएफ टोकन पे आने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस आप लोग को एक चीज़ परचेस करना है जिसमें गाइस आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ गाइस आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे गाइस जो 700 डिस्काउंट वाला जो डायमंड है ना इसको परचेस कर लेना। जी हाँ गाइस, कि आप लोग गाइस जब हाई अमाउंट में, जब मतलब हाई क्वांटिटी में जब आप लोग टोकन परचेज करते हो तो गाइस आप लोग 1-2 हज़ार का तो डायमंड रहेगा ही आपके आईडी में, तभी तो आप गाइस आप लोग परचेज कर रहे हो 100-200 टोकन। लेकिन गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, ये वाला टोकन जैसे आप परचेज करोगे ना, जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे परचेज किया जैसे, तो आप लोग गाइस ये टोकन को परचेज कर लेना है। यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे लिखा है अवेलेबल आफ्टर स्पेंडिंग ओवर 2000 डायमंड। जब भी गाइस आप लोग स्टोर में 2000 डायमंड इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग का यहाँ पे 700 डायमंड का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका इंस्टेंट 700 डायमंड का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसको कैसे अप्लाई करना है गाइस आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ, मैं आप लोग को एक सिंपल दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग गाइस देखो यहाँ पे परचेज करने के बाद आप लोग जैसे क्रेट पे जाते हो एंड मान लो गाइस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग अपना जो भी है अपना MP40 मैक्स करो ठीक है, तो आप लोग जिसे MP40 पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे परचेज पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप लोग जिसे इसको कर दोगे ठीक है, बढ़ाते जाओगे एंड 2000 से ऊपर कर देना ठीक है इसको 2000 से ठीक है। यहाँ पे गाइस फाइनली यहाँ पे 2000 हो गया ठीक है, 2000 से ऊपर हो गया एंड 50 बॉक्सेस हम लोग परचेज कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखो गाइस, अगर आप लोग डिस्काउंट के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पे तो गाइस आपका टोटली 2000 डायमंड लग जाएंगे, बस आप लोग 50 क्रेडिट खरीद पाओगे। लेकिन गाइस आप लोग को डिस्काउंट के ऊपर में जाना है एंड 700 पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे एट द इंस्टेंट आप लोग का 1300 डायमंड पे पड़ रहा है 50 क्रेडिट। तो यहाँ पे गाइस एकदम इंस्टेंटली आपको 700 का डिस्काउंट मिल गया है एंड बाकी के जो बचे 700 डायमंड है उससे एक्स्ट्रा टोकन परचेज कर सकते हो। तो गाइस यार यही था ट्रिक एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग ये जो एफएफ टोकन है, ये जो एफएफ टोकन है गाइस यहाँ पे एफएफ टोकन के मदद से आप लोग ये वाला टोकन 3 बार परचेज कर सकते हो ठीक है, 3 बार परचेज कर सकते हो। सो गाइस यार तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि गाइज उन्हें भी पता चल सके कि किस प्रकार से वो भी अपना डायमंड बचा सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।